नमस्कार टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आ गई है। कल जनपद मिर्जापुर में नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और कल मतदान दिवस भी है और तमाम मतदाता कमर कस चुके हैं कि इस बार वो किसको वोटिंग करेंगे। लेकिन उसके पहले मतदान कर्मियों को आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ मतदान कर्मी, जो प्रशिक्षित मतदान कर्मी है, वो आज यहाँ जनपद मिर्जापुर के GIC ग्राउंड में मौजूद हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए बिल्कुल लालायित दिखाई दे रहे हैं। पूरी तत्परता के साथ ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा को निभाते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देशानुसार आज तमाम प्रशिक्षित कर्मचारी यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अपने स्याही कलम, बैलेट जो है बॉक्स और बैलेट पेपर को लेके गंतव्य स्थान तक रवानगी हो चुकी है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं, तय समय के अनुसार मतदान कर्मी अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे ताकि समय जो निर्धारित किया गया है उस वक्त तमाम जो मतदान स्थल है, मतदेय स्थल है, वहां ये कर्मचारी मौजूद होंगे। आपको बताते चले कि जनपद मिर्जापुर में 100 वार्ड हैं जहां सभासद का चुनाव होना है। नगर पालिका अध्यक्ष मिर्जापुर का चुनाव है, नगर पंचायत कछवा का है, अरौरा नगर पालिका अध्यक्ष का और चुनार नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव कल के डेट में होना है। और देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस बार का जो मतदाता प्रतिशत है वो कितना होगा। आप देख पा रहे हैं कि कितनी गर्मी में, बेहद गर्मी में भी यहाँ जो कर्मचारी हैं वो अपने ड्यूटी पे बिल्कुल तत्पर दिखाई दे रहे हैं। हर लेवल पे तत्परता, समर्पण दिखाई दे रहा है। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने भी कुछ प्रबंध करा रखे हैं, जैसे बेहतर हवा के लिए और जो है माइक लगाए गए हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट, समय समय पर वो अपने तमाम कर्मचारियों को निर्देशित भी करते देखे जा रहे हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।